राम मंदिर को लेकर भी अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर बनाकर हमने वोट लेने का कारण ही खत्म कर दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी गठबंधन नहीं गया, आज पूरा देश इनसे नाराज है। कांग्रेस वालों ने सालों तक मुद्दे को लटकाए रखा, हमने 5 साल में केस जीता, भूमि पूजन किया, प्राण प्रतिष्ठा भी की। जी, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये आपका एक बहुत बड़ा वादा था जो आपने निभाया, मगर ऑपोजिशन ये कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, राम के नाम पर तो वोट तब मिलता था जब मंदिर नहीं बना था और हम कहते थे हम बनाएंगे। हमने तो वोट लेने का कारण ही समाप्त कर दिया। ऑपोजिशन को चिंता इसलिए है और पूरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना, शांतिपूर्वक तरीके से बना, संवैधानिक रूप से बना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। माइनॉरिटी के डर से वो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसलिए पूरा देश उनसे नाराज है। हमने कभी ये नहीं कहा कि राम मंदिर बनाया इसलिए हमें वोट दीजिए, मगर पूरे देश की जनता जानती है 70 साल से ये लोग अटका कर रखे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी और आज भव्य राम मंदिर, समग्र देश को आह्लादित करने वाला राम मंदिर बना है। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में अमित शाह ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पर्सनल लॉ को प्रमोट करने की बात करती है। देश शरिया से नहीं, कानून से चलेगा। पिछले कुछ महीनों से सरकार इकोनॉमी की बात कर रही थी, डेवलपमेंट की बात कर रही थी, जो चीजें अभी आपने बताई इसकी बात करके जनता के बीच जा रही थी। पहले चरण के बाद यह देखा गया कि थोड़ा ये तुष्टिकरण की ओर मुड़ा, थोड़ा हिंदू मुसलमान हुआ। आप लोगों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अटैक किया और कहा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक रैली में कहा कि जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो में नक्सल, अर्बन नक्सल की महक है, इसमें माओइस्ट वो ख्याल दिखाई देता है, तो ये कहां से आया? देखिए, हमारा दायित्व है कि हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं इनकी मंशाओं को हम उजागर करें जी। आप मुझे बताइए, इस जमाने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पर्सनल लॉस की बात कर सकती है क्या? क्या देश शरिया के आधार पर चलेगा? एक और, हम हमारे घोषणा पत्र के अंदर, संकल्प पत्र के अंदर कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कांग्रेस कह रही है हम पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसीलिए आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग की छाप है? बिल्कुल मुस्लिम लीग की छाप, यही तर्क है कि मुस्लिम लीग की छाप। आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि देश के कॉन्ट्रैक्ट्स माइनॉरिटी को प्रायोरिटी देंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट लोएस्ट कौन है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, काम करने की क्षमता है या नहीं है, इसके आधार पर निर्धारित होंगे या कॉन्ट्रैक्ट के धर्म के आधार पर निर्धारित? किस तरह से देश चलाना चाहते, देश की जनता को इसको सोचना पड़ेगा। बहुत समय के बाद देश तुष्टिकरण की राजनीति से नरेंद्र मोदी जी बाहर निकाल कर रहा है, ये फिर से उसी दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जीतने का आत्मविश्वास गंवा चुकी है। और लोकसभा चुनाव से